नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोग इस चैप्टर के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसमें हम लोग जीन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं ताकि आने वाला ऑर्गेनिज्म बेहतर बन जाए, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सारे लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे बेसिक पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं, एक पॉइंट भी छोड़ा नहीं है बेटा। आज भी और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए, ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो। अब स्टार्टिंग में कैसा है, कुछ थियरी वाला पॉइंट है बेटा, सो दैट वी डोंट वेस्ट अ टाइम। आई हैव ऑलरेडी डन द बोर्ड प्रेजेंटेशन, फिर आएंगे हम लोग उसके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की तरफ बेटा। ओके, अब एप्लीकेशन क्या होता है कि जब हम कोई साइंस पढ़ते हैं तो साइंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर का सबसे कमाल का एप्लीकेशन है इंसुलिन प्रोडक्शन। कि हमने एक बार जीन को मैनिपुलेट करना सीख लिया, फिर इंसुलिन वाले जीन को बैक्टीरिया में डाल के इंसुलिन बनाने लगे, वाह, स्लो क्लैप्स, जबरदस्त काम किया है साइंटिस्ट लोगों ने। अब एप्लीकेशन के मामले में इसमें कैसा ना कि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग फील्ड आती है बेटा। अब पहला है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या किया है, तो इसमें हमने टिश्यू कल्चर किया है, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, सुना तूने क्या कहा मैंने, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, सिलेक्शन हम लोग मार्कर की मदद से करते हैं बेटा। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या एप्लीकेशन देखा है, तो इसमें भी टिश्यू कल्चर आता है, जेनरेटिव मेडिसिन आता है, इम्यूनोटेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, फार्माकोजिनोमिक्स और जीन थेरेपी। थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, कोई भी डिफेक्टिव जीन दिखा तो उसको रिप्लेस करो, ओके, अच्छे जीन से, नॉर्मल जीन से बेटा। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। समझो कोई थियरी एमसीक्यू आया ना तो ये याद रखना, टिश्यू कल्चर, जेनरेटिव मेडिसिन, इम्यूनोटेक्नोलॉजी जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, फार्माकोजिनोमिक्स जो फार्मेसी दवाइयों से रिलेटेड है बेटा, एंड जीन थेरेपी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या एप्लीकेशन ढूंढा है, तो हमने पॉल्यूशन को कम करने का रास्ता देखा है, दैट इज पॉल्यूशन कंट्रोल। बायोफ्यूल यानी ऐसा फ्यूल जिसके वजह से एनवायरमेंट प्रदूषित ना हो, ओके। बायो रेमिडिएशन, रेमिडी यानी सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग बायोलॉजिकल तरीके से करते हैं, दैट इज बायो रेमिडिएशन। एंड लास्ट बायोडाइवर्सिटी। माइक्रोबियल फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है, जीनोमिक्स है, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ओके, आई विल राइट द फुल फॉर्म ओवर हियर बेटा, इन शॉर्ट, क्योंकि तेरी याददाश्त पे मुझे पूरा भरोसा है बेटा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल में क्या क्या आएगा, एंजाइम प्रोडक्शन, प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड मेटाबोलोमिक्स। ये कैसा हो गया, ये मेटाबॉलिज्म और जीनोमिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा, ओके, यानी अलग अलग जीन के मदद से अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी बनाना सीखा है हमने। जीनोमिक्स में होल जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस ढूंढ के निकाला है, हर जीन का क्या फंक्शन है वो ढूंढ के निकाला है, ओके, रिवर्स जेनेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये सब उसके अप्लाइड सेक्शन है बेटा। चलिए अब सबसे मेन पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ इस कॉलम की तरफ बीमारियों का नाम है और इस कॉलम की तरफ उसको ट्रीट करने वाले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के नाम है। यानी सोचो ये कैसी बात हो गई, इसमें सबसे कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है डायबिटीज। अब डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी की वजह से, डायबिटीज में इंसुलिन नाम का हॉर्मोन की कमी होती है। अब ये इंसुलिन तो कुदरती तौर पे हमारे पैनक्रियाज में बनता है। अब एक टाइम ऐसा था कि हमको पता था कि सामने वाले को डायबिटीज है, तो वो पेशेंट अब पूछता था कि डॉक्टर मुझे क्या है, तो हम बोलते तुमको डायबिटीज है, तुम्हारा शुगर बहुत हाई है, तो पूछता था शुगर क्यों हाई है मेरा, तो हम बोलते थे तुम्हारा बॉडी में इंसुलिन का कमी है, तो बोलता है ये इंसुलिन कहाँ बनता है, तो हम बोलते थे तुम्हारे पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन बनाते हैं, और तुम्हारे उस बीटा सेल के अंदर कोई ना कोई जीन में डिफेक्ट है जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता, तो अभी तुमको चाहिए इंसुलिन।
तो बोलता था भाई इंसुलिन दे दो हमको, तो हम बोलते थे भाई कहाँ से दू, अपना निकाल के दू, कहाँ से दू, इंसुलिन तो कुदरती तौर पे बनता है ना। बट आज के तारीख में बायोटेक्नोलॉजी, देखो यहाँ यो बनाया, बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया है, इसी इंसुलिन को आर्टिफिशियली बनाना चालू कर दिया बेटा। ओके, सो इसके वजह से कैसा है ना कि यही इंसुलिन आर्टिफिशियली अभी हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट को इस केमिकल के मदद से आराम पड़ गए। अब ऐसे और बीमारी के बारे में देखते हैं। पहला बीमारी है अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन आरबीसी एंड और हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी की कमी या तो हीमोग्लोबिन की कमी या तो फिर दोनों, आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों कम है। अब ये अनीमिया का इलाज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एक ऐसा प्रोटीन है, पोएटिन और पोएसिस मींस प्रोडक्शन और एरिथ्रो मतलब आरबीसी। ओके, ये प्रोटीन अक्सर ना किडनी में से रिलीज होता है और ये प्रोटीन का काम है आरबीसी प्रोडक्शन। सो अगर किसी को अनीमिया है तो उसको हम लोग एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन, एरिथ्रोपोएटिन नाम का प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रोटीन आज के तारीख में बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग आर्टिफिशियली बना सकते हैं। नेक्स्ट, अस्थमा। अस्थमा सांस लेने की तकलीफ है जहां पर हमारे विंड पाइप के अंदर, ओके राइट, जो हमारे छोटे छोटे विंड पाइप्स के फर्दर डिवीजन होते हैं जिसको ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाता है और ये हमारी श्वास नली जो है, ओके राइट, सिकुड़ जाती है। सो इसके वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। अब इसका इलाज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर। इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर, एक्चुअली इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, इसमें कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो सूजन को कम करते हैं। सो अस्थमा में एलर्जिक इन्फ्लेमेशन जो होता है ना उसको ये कम कर देते हैं। सो इसीलिए अस्थमा का इलाज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर, याद रखो। एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का इलाज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अब ये इंफॉर्मेशन ना कुछ बुक्स में मेंशन है, ओके आई एज अ डॉक्टर आई फील दैट ये इंफॉर्मेशन में कुछ कंफ्यूजन है जो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म मैं तुमको समझाता हूँ। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये एक ऐसा प्रोटीन है, ओके जिसके मदद से ना सेल डिवीजन होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं पर भी अगर डैमेज होगा सो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर वहां पर सेल डिवीजन करवा के वहां पर न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन और उसके हीलिंग में मदद करता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कोई ब्लड वेसल है उसके अंदर ना फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स ये सब की गांठ बन जाती है जिसके वजह से ब्लड फ्लो जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। सो ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो टुकड़ा है इसको एथेरोमेटस प्लेक बोलते हैं। एथेरोमेटस प्लेक के वजह से बीमारी का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस का इलाज इसकी मदद से किया जा सकता है ये गलत है। इनफैक्ट प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये अगर एक्सेसिव होगा, ओके राइट, जहाँ पे बहुत ज्यादा ये अगर सेल डिवीजन करवा देगा सो इनफैक्ट ब्लड वेसल्स चोकअप हो जाएगा। सो ये इंफॉर्मेशन कुछ बुक्स में गड़बड़ है, ओके। इंस्टेड वी कैन कंसिडर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर फॉर आर्टीरियल कंडीशंस जहां पर डैमेज हुआ है, ओके। एनीवे, सो एग्जाम में अगर पूछे तो कट टू कट ये टेबल के हिसाब से अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखना, अनीमिया का इलाज किससे होगा? एरिथ्रोपोएटिन से। अस्थमा का इलाज किससे होगा? इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर से। एथेरोस्क्लेरोसिस को साइड में रखते हैं, ऐसा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन यूजुअली नीट एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इसको साइड में रखते हैं। फिर भी अगर कुछ पूछा तो याद रखना प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को हील करता है, रिपेयर करता है बेटा। और एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहां पर फैट्स जमा हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ।
और इसमें क्या काम आएगा, इसमें जो प्रोटीन काम आता है उसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक ऐसा प्रोटीन है जो पेल्विस यानी कमर के हिस्से को रिलैक्स कर देता है, ढीला कर देता है। अब समझो एक वुमेन ऐसे लेटी हुई है, ओके, इस टेबल पे लेटी हुई है, ओके, तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, सो रिलैक्सिन क्या करता है, पेल्विस को रिलैक्स कर देता है, जिसके वजह से डायमीटर इंक्रीजेस एंड दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। ओके, नेक्स्ट, ब्लड क्लॉट्स के मामले में टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीए, और एक और केमिकल है यूरोकाइनेस। तो समझो ये अगर ब्लड वेसल है और इसके अंदर क्लॉट्स हो गया। अच्छा, अब क्लॉट्स यानी क्या, यानी खून की ही गांठी बन गई है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था, चर्बी का गांठ बना था बेटा, पर ब्लड क्लॉट्स में क्या हो रहा है, खून के ही, ब्लड के ही सेल्स आपस में इकट्ठा हो गए और वहां गांठ बना दिए, और ये ब्लड वेसल, ये पाइप अंदर से चोकअप हो गया बेटा, तो अब उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। समझो ये ब्लड अगर हार्ट को जा रहा है तो इसके वजह से हार्ट अटैक आएगा, और इसीलिए हार्ट अटैक के मामले में सबसे मेन मेन जो केमिकल और इंजेक्शन काम में आता है वो है यूरोकाइनेस और टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, क्योंकि इन केमिकल का काम है ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देना, इस खून की गांठ को पिघला देना, ताकि खून एकदम पतला रहे और फ्लो होते रहे बॉडी में। खून एकदम गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा ना, तो उसके वजह से ब्लड फ्लो गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, और जो ऑर्गन की तरफ वो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, और वो ऑर्गन अगर हार्ट है तो इट कॉजेस हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, मेरे सर्कुलेशन वाले वीडियोस तुमने देखे होंगे, उसमें हम लोग ने काफी डिटेल में डिस्कस किया बेटा ये। ओके, अब ये हार्ट अटैक की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है ना, सीधा फोटो दीवार पे आएगा हार और अगरबत्ती के साथ। ओके, सो इन दैट केस कौन सा केमिकल काम आता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेस, याद रखने। नेक्स्ट, कैंसर। अब कैंसर में कौन से प्रोटीन्स काम आ सकते हैं ताकि कैंसर के पेशेंट को थोड़ी राहत मिल सके, तो इसमें इंटरफेरॉन्स, नेक्स्ट इंटरल्यूकिन, नेक्स्ट ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड लास्ट मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर। मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम लोग MAF बोलेंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को TNF बोलेंगे। अब मैक्रोफेज एक खास किस्म का WBC है, ओके, जो अगर एक्टिवेट हो गया ना तो कुछ ट्यूमर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बेटा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन, ये सब प्रोटीन का मेन काम क्या है, इनका मेन काम ये है कि जो भी कैंसर का सेल है, कैंसर की जो गांठ है उसके अंदर जो भी डिफेक्टिव सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ताकि पेशेंट को थोड़ी राहत मिल सके बेटा। ओके, राइट, सो कैंसर के मामले में ये सारे प्रोटीन्स काम आते हैं, और ये सारे प्रोटीन्स धन्य है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके मदद से हम लोग ये सारे नेचुरल प्रोटीन्स जो कुदरत ने हमारे शरीर में बनाया, आज हम इसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं। अब देखो वैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इंसुलिन जो तेरे मेरे बॉडी के अंदर है, वो इंसुलिन मार्केट में भी है बाहर अभी, तो बहुत सारे डायबिटीज वाले पेशेंट जिनमें इंसुलिन की कमी है उनका फायदा हो गया, उनको तुम बोल सकते हो कुछ मीठा हो जाए। ओके, यानी डायबिटीज वाले पेशेंट मीठा नहीं खा सकते क्योंकि उनका शुगर ज्यादा होता है, और ये शुगर को तोड़ने के लिए, ये शुगर को बराबर कंट्रोल में रखने के लिए, कम करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। आज वो इंसुलिन हमारे पास है, है, है। आगे एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में एक प्रोटीन काम आता है जिसका नाम है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। अब अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन एक खास किस्म का प्रोटीन है जो हमारे लीवर में बनता है, और ये प्रोटीन कैसा है ना, हमारे लंग्स के एल्वियोलस को, बलून लाइक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, और ये प्रोटीन अगर कम हो गया, ये प्रोटीन की कमी के वजह से एल्वियोलस में डैमेज होता है, और वो डैमेज वाली बीमारी का नाम है एम्फाइसीमा। हाई लैंग्वेज में चले तो एम्फाइसीमा
इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंबे समय की बीमारी होती है, स्मोकर्स में बहुत कॉमन है। सर ये क्या कर रहे हो, पप्पी दे रहे हो? पप्पी नहीं दे रहा हूँ बेटा, स्मोक, स्मोकिंग इज बैड, स्मोक करना नहीं चाहिए। सो जो स्मोकर्स होते हैं ना, जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ओके, तो उनके अंदर एल्वियोलस में डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से एल्वियोलस का इलास्टिसिटी इज लॉस्ट और उसके वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। सो एम्फाइसीमा का इलाज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये वो प्रोटीन है जो लंग्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हीमोफीलिया ए, इसका इलाज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर नंबर 8 और हीमोफीलिया बी का इलाज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर नंबर 9। हीमोफीलिया, हीमो का मतलब ब्लड, फीलिया और फिलिक का मतलब होता है टू लव, यानी ये जो बीमारी है ये ब्लड से बहुत प्यार करती है, इसको हम लोग ब्लीडिंग डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को कैसा ना, थोड़ा भी चोट लगेगा, थोड़ा भी मार लगेगा, हद से ज्यादा ब्लीडिंग होता है। और तो और कोई कोई केसेस में डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इंजरी द पेशेंट कैन ब्लीड टू डेथ, इतना ब्लीडिंग होगा कि उसका डेथ हो जाएगा। अब तेरे मेरे को समझो थोड़ा सा खरोच आया, कुछ देर के बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तेरे मेरे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स खास किस्म के प्रोटीन होते हैं, ऐसे हमारे पास टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा तेरे मेरे पास? 13 मेरा भी ना बेटा, मेरा भी गिनने का, मेरे को अकेला नहीं छोड़ने। सो टोटल देर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से अगर किसी इंडिविजुअल में जन्म से फैक्टर 8 बन ही नहीं रहा है तो उसको होगा हीमोफीलिया ए। अगर किसी में जन्म से फैक्टर 9 बन ही नहीं रहा है तो उसको होगा हीमोफीलिया बी। और हीमोफीलिया में पेशेंट को हद से ज्यादा ब्लीडिंग होती है क्योंकि इन फैक्टर्स की कमी होती है। और सोचो ये फैक्टर्स को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के मदद से आर्टिफिशियली बना सकते हैं। इसमें एक और टाइप होता है हीमोफीलिया सी, ओके, जो हीमोफीलिया के लेक्चर में मैं तुमको काफी डिटेल में सिखाऊंगा। चलो एक छोटा सा काम देता हूँ, तुम ढूंढो बच्चों कि क्रिसमस डिजीज क्या होता है और उसका नाम क्रिसमस क्यों रखा है। क्या उसका सेंटा क्लॉज से कोई लेना देना है? क्या उसका क्रिसमस से कोई लेना देना है? ढूंढना और उसका अचानक से ये टॉपिक से क्या लेना देना है, ढूंढना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आगे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस में जब भी आइटिस वर्ड देखो ना, आइटिस का मतलब होता है सूजन और हेपेट का मतलब होता है लीवर। इस बीमारी में ना लीवर पे हद से ज्यादा सूजन आता है और हेपेटाइटिस में बहुत सारे टाइप है जिसमें से हेपेटाइटिस बी बहुत बुरा होता है क्योंकि इसके वजह से लीवर फेलियर और लीवर कैंसर होता है। अब इसका इलाज पॉसिबल है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो इसका वैक्सीन आ गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। इंसुलिन का बेसिक लेक्चर हमने कवर कर लिया है। इंसुलिन में दो तरह के चेन होते हैं, ए चेन और बी चेन, और एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच पेप्टाइड होता है जिसको सी बोलते हैं बेटा। एली लिली अमेरिकन कंपनी थी जिसने इसको बनाया था। बाकी सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं तूने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देखो बेटा। अब सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन बनता कौन से सेल्स है? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर पैनक्रियास। इंसुलिन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज के भी बहुत टाइप है बेटा, जिसमें से इंसुलिन वाला जो डायबिटीज है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। म से मेलाइटस, म से मीठा, वो वाला डायबिटीज जहां डॉक्टर तुमको मीठा खाने के लिए मना कर देता है वो है डायबिटीज मेलाइटस, जो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। एक और होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जो एडीएच नाम का हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, किडनी वाले चैप्टर में डिटेल में सिखा दूंगा तुझे। तो डायबिटीज के टाइप होते हैं जिसमें से मेन ये याद रख, इंसुलिन वाला डायबिटीज है डायबिटीज मेलाइटस। और ये इंसुलिन कौन बना रहा है? ये इंसुलिन बनाया जा रहा है बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। अब इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया था? सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड स्कैफोर।
ये याद रखो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड स्कैफर। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये तुमको बाय हार्ट करना है, सर एडवर्ड स्कैफर। ओके, पूरा नाम सर एडवर्ड शार्पे स्कैफर है बेटा, ओके, बट इतना भी याद रखा, इट इज मोर देन इनफ। देन केमिकली इंसुलिन वॉज सिंथेसाइज्ड, उसका डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन ए एंड बी, यानी उसका चेन ए और चेन बी केमिकली किसने सिंथेसाइज किया, ओके, सो इट वॉज डन बाय अकुरा, ओके। एडवर्ड स्कैफर ने इंसुलिन को डिस्कवर किया इन द ईयर 1916 और केमिकली उसको बनाया गया इन द ईयर 1977, ओके। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट और तुझे याद रखना, एक है गिलबर्ट एंड दूसरा है विलोको मैरोफ। ये दोनों ने सबसे पहले डिजाइन किया था इंसुलिन प्रोडक्शन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द ईयर 1978, गिलबर्ट एंड विलोको मैरोफ सबसे पहले डिजाइन किया इंसुलिन प्रोडक्शन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू ये याद रखना है कि इंसुलिन वाले जीन को कौन से जीन के बाजू में डाला था। सो इंसुलिन वाला जीन वॉज इंसर्टेड बाय द साइड ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन, ओके, ऑफ द प्लाज्मिड पीबीआर 322। पीबीआर 322 प्लाज्मिड का बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जो जीन था उसके बाजू में इंसुलिन वाले जीन को डाला जाता था। आखिरी बार इस जीन का मैनुपुलेशन कौन से बैक्टीरिया के अंदर हो रहा था, यानी कौन सा बैक्टीरिया इंसुलिन बना के दे रहा है, तो इट वॉज ईकोलाई, ये याद रखो। और इंसुलिन वाला जीन डालने के बाद ईकोलाई दो केमिकल बनाता था, एक पेनिसिलिनेस और दूसरा इंसुलिन। अब इंसुलिन को पेनिसिलिन एज, पेनिसिलिन एज में से सेपरेट करना था, तो सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, सो इट वाज सेपरेटेड बाय ट्रिप्सिन ट्रीट, ट्रिप्सिन याद रखो, ये सब एमसीक्यू में आता है बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया बेटा। So that was all about biotechnology and its application का extra point. हम मिलेंगे next lecture में with much more extra points. Till then, जो screenshot लिया उसका notes बनाओ और खास करके ये वाला section, okay? और insulin वाला section इसको अच्छे से पढ़ो बेटा, okay? Keep reading, keep rocking. Thank you बच्चों.